नमः। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको वर्तमान काल बता दिया, लट लकार लोट लकार की बात भी हो गई है कल, सॉरी भविष्यत काल की। आज भूत काल यानी पास्ट टेंस, जिसको कि लंग लकार बोलते हैं, उसकी बात करते हैं। उसमें तो जैसे वर्तमान और भविष्यत काल में, वर्तमान में वो पढ़ता है, स पठती होता है, और वह पढ़ेगा स पठिष्यति होता है। तो ज्यादा फर्क नहीं था, पठती के साथ पठिष्यति, पठती पठतो पठंती था, तो यहाँ पठिष्यति पठिषतो पठिष्यन्ति था, कोई फर्क नहीं था। बीच में श श आ गया था, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था उससे। लेकिन ये जो रूप होते हैं पठ धातु के, जो भूतकाल में होते हैं, उस पठ धातु के लिए थोड़ा सा फर्क होता है, तो उसको याद करना है। त ताम तन, इस तरीके से ये होता है, इसको याद करेंगे। देखो यह थोड़ा अलग है, वैसा नहीं है बिल्कुल भी। ये तो मैं बार बार लिख रहा हूं, सौ तौते त्वम युवाम युम अहम आवाम वयम, ये इसलिए लिख रहा हूं आपको कोई परेशानी ना हो। लेकिन रूल वही है कि लेकिन जो वाक्य होंगे वो अलग तरीके से होंगे। जैसे उसने पढ़ा, अभी बहुत छोटे सेंटेंस में बना रहा हूं, तो उसी बाद में इसको बड़ा करते जाएंगे। उसने पढ़ा यानी पास्ट टेंस है। हम सबने पढ़ा भी बोल सकते हैं, पढ़ाई की भी बोल सकते हैं, बात एक ही है ये, है ना, जो पास्ट टेंस में हो गया। अब उसने तो ही होता है, जैसे उसने मतलब वह होता है, तो सह लड़की होगी तो सहा, सहा उसने पढ़ा। सह के साथ प्रथम पुरुष एकवचन, यहां का सह है प्रथम पुरुष एकवचन, कोई भी धातु रूप होगा उसका होगा। स अपठत, स अपठत। इसमें बेटा एक चीज ध्यान रखना है, अगर कहीं हलंत है तो हलंत लगाना जरूरी है, विसर्ग है तो विसर्ग लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर संस्कृत नहीं होती है, गलत हो जाएगा। ये इसका है, हम सबने, तो हम सब के लिए वयम आता है, वयम, ये तो आपको पता ही है वयम। अब वयम के साथ धातु रूप अपठाम आएगा, यहां हलंत भी नहीं है, वयम अपठाम, हमने पढ़ाई की। तुमने पढ़ा, अभी मैं केवल पठ धातु को ही ले रहा हूं ताकि कोई परेशानी ना हो। तुमने पढ़ा, पास्ट टेंस में पढ़ा, तो त्वम पठसी, ये तो तुम पढ़ते हो था, त्वम पठसी, ये पास्ट टेंस है, तो पठसी की जगह त्वम अपठ, त्वम अपठ, हाँ मतलब नहीं नहीं है यहां पर, त्वम अपठ, क्योंकि धातु रूप जो है त्वम के साथ ये आएगा। तुम दोनों ने पढ़ा, युवाम अपठतम, तुम सबने पढ़ा, यूयम अपठत अपठत, मैंने पढ़ा, अहम अपठम, हम दोनों ने पढ़ा, आवाम अपठावो, हम सब ने पढ़ा, वो आवाम वयम अपठाम, इस तरीके से इसको करते हैं। इसके बाद तीनों हो गए हैं, अभी और भी लकार आते हैं, इन तीनों को मिलाकर अब हम आगे की वीडियो बनाएंगे और सीखेंगे, शायद आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान से लिखना क्या क्या है ये रूप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, नोटबुक में, ये तो आप बार बार लिख रहे हैं, ये आप लिख लीजिए भूतकाल पास्ट टेंस के साथ, ठीक है। थैंक यू।